कितना सा टच ही तो करना होता है बस बटन को। एक बहुत पर्सनल चीज शेयर कर रही हूँ आपसे आज मैं। तो गाइस अब शाम हो चुकी है और अब हम निकल चुके हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमें पार्टी में जाना है और आकर्ष को तो हमेशा का ड्रामा है कि कहीं भी जा रहा हूँ इनके पास कपड़े नहीं होते। तो आकर्ष को कपड़े दिला के लाने हैं मुझे, विंटर्स के हिसाब से हुडी वगैरह कुछ दिला देते हैं, और इस स्कूटी में पेट्रोल डलवाना है और कुछ और भी थोड़ा बहुत मतलब घर का सामान लेना है। तो आप चलिए मेरे साथ बने। तो गाइस हमने पेट्रोल डलवा लिया है, अब फाइनली स्कूटी का पेट भर दिया है हमने। क्यों भाई तू पीता है क्या पेट्रोल? बहुत दिन हो गए ना, लोग भूल गए होंगे और जो नए लोग हमारे से जुड़े हैं तो उन्हें बता दे भाई स्कूटी का पेट्रोल पीता है आकर्ष। पाइप लगा के पीता है। तो मिलते हैं अब मार्केट में जाके। यही सब हम आ गए हैं ड्राई फ्रूट्स लेने, क्योंकि अब हमें बनाने हैं लड्डू आकर्ष के लिए। आकर्ष के बहुत कमजोरी आ रही है इसलिए आकर्ष को लड्डू बना के खिला। आपको गोंद के लड्डू की रेसिपी भी मिलने वाली है अर्चनाज ब्लॉग पे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी जाओ और सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, ठीक है गाइस? तो चलते हैं अंदर। तो गाइस मैंने ये सामान ले लिया है, शैम्पू बॉटल वगैरह भी, वाइप क्रीम व्रीम सब ले लिए, ड्राई फ्रूट्स ले लिए। अब मेरे को थोड़ा सा और लेना है, मुझे गोंद नहीं मिली इंडिया की, गोंद के लिए हमें आगे जाना है। एक लड़का आ चुका है अपने लिए कपड़े लेने, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं दूसरी दुकान पर नहीं जाऊँगी, ये ध्यान रखियो। भैया अच्छे अच्छे से कलर दिखाओ कोई बढ़िया से। फाइनली गाइस हमने आकर्ष की शॉपिंग कर ली है, दिखाओ। The next day. Hello guys, नमस्कार जी सबको, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बिल्कुल मेरी तो मेरी बोला स्वागत है मेरी अपनी किचन में। आज आपका स्वागत है मेरी अपनी किचन में, किचन में। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू। आपको बताती हूँ क्या क्या सामान है इसमें। ये देखिए गोंद, काजू, बादाम, मखाने और ये नारियल, सूखा नारियल बोलते हैं, सब मैंने पीस लिया है। ये सब बिल्कुल रेडी करके आपको दिखा रही हूँ। तो अब कैसे कैसे मैं प्रोसेस शुरू करती हूँ गोंद के लड्डू बनाने का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। गोंद क्या होता है ये बताओ? ये होता है बेटा गोंद, इसका नाम गोंद क्यों पड़ा ये बताओ? अब ये एक पेड़ होता है गोंद का, उसमें से ये बनता है। पेड़ का नाम गोंद क्यों पड़ा? गाइस अभी की गाइस फैमिली लोगो मेरे प्यारे लोगो अभी की पहले मैंने एकदम से तेज तेज आंच में ये वाला गोंद फ्राई कर लिया। तो ये ऊपर से तो फ्राई हो गया बट ये देखो अंदर से कच्चा रह गया, ठीक है? तो इसलिए तेज आंच में नहीं मंदी आंच में अच्छे से सेकना है ताकि ये अंदर तक सिक जाए। क्यों बनाती हो? अभी ये गर्म हो गया है। क्यों बनाती हो आप गोंद के लड्डू? बेटा सर्दियों में नहीं फायदा करते लड्डू? क्या फायदा करते हैं? हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठंड से बचाते हैं। ठंड तो होती ही नहीं है बड़ी दिल्ली में, ठंड हो रही है दो दिन से। मोए 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 ये भी बना दूंगी अब आपकी। हाँ क्या मतलब आज आपके गाइस सोच रहे होंगे आज इनका लड़का नहीं आया, लड़की आ गई। लड़की आ गई आज मेरी व्लॉगिंग चल रही है, थोड़ा सा बिजी है पढ़ाई में इसलिए आज मेरी लड़की आ गई। हाँ सही बात है, सही बात है। तो देखो गाइस कितना अच्छे से फूल रहा है। गाइस सीख लो आप भी कुछ, मम्मी सिखाती रहती है सब कुछ। हाँ सबको अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए लेकिन आप मम्मी के ऊपर डिपेंड हो, शर्म आनी चाहिए। हाँ गाइस पता है मेरी लड़की तो ना जब भी मैं खाना बनाती हूँ मेरे पास ही खड़ी रहती है, सब कुछ आते हैं लड़की को। सब कुछ जानती है बनाना, ज्यादा तारीफ हो गई मेरी। खाने के लिए भी इंतजार करती है कि कोई इसको बेड पे खाना पकड़ा दे लाकर, ये आलसी लड़की। तो सही है ना, जब काम करने के दिन आएंगे तभी करेंगे, अभी क्यों करेंगे।
पढ़ने लिखने की उम्र है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। बहुत पढ़ रही हो। जिन्ने मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्ने मेनू मार सुटिया ओहो, आगे नहीं आता। आना चाहिए मम्मी, गलत बात। वैसे ना एक बात है, एक दो गाने ऐसे हैं उनकी वैसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो वाला गाना है ना हो 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 भाई, पता ही सैड सॉन्ग है भाई, और कुछ आए ना है, लेकिन जो एक दो कड़िया उनकी तो इतनी तेज आवाजें आती हैं, पता है वाला सैड सॉन्ग है ओ हो हो हो। कौन सा? ओ हो 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 हो। अभी ये नहीं जो भी आपने गाया ओ हो 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 ओहो, इश्क तेरा तड़पा में नहीं तारे की आज तेरी, मैं ताजा मैं रोक न पावा। हाँ, इसमें ना भाई ये आदमी पूरी रात जागा है और ये अपने आप को रोने से रोक नहीं पाया, और तुम इसी पे अपने जश्न मना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही किसी के दुख दर्द पे और खुद नाचते हुए? ओहो इश्क तेरा तड़पा में। ओ भाई साहब, तो गाइस हमारा गान बन चुका है। किसी के दर्द पे हंसना नहीं चाहिए कभी। तो क्यों हंस रही है? क्योंकि उसका दर्द ही ऐसा है। क्योंकि उसका दर्द ही ऐसा है। अब ये है हमारे काजू, देख लीजिए, जो काजू से मोटे मोटे चॉप करे मैंने, ठीक है? काजू सॉफ्ट भी कर लिया आपने? अपने गाइस को दिखाए नहीं, वो आप पे डिपेंडेंट है, बताओ कि अर्चना जी सॉफ्ट करेंगी फिर हम उनसे सीखेंगे, अब उन्हें कैसे पता सॉफ्ट कैसे करते हैं? सॉप नहीं होता, तू पहले बोल रहा था। अरे चौप भाई, भाई सॉप सॉप। मैं चाहूँ कभी कभी सा बोलती हूँ, देख फ्राई कर रहे हो जैसे किशन। किचन को आपको खाने में क्या पसंद है? जो बना बनाया मिल जाए, और ऐसी किस्मत हमारी कहाँ जो हमें बना बनाया मिल जाए। मम्मी यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपने गाइस की तरह नहीं हो जो आप इंडिपेंडेंट। भाई आज मैं गाइस को बहुत ज्यादा रोस्ट कर रही हूँ। गाइस अब आप बताना है नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी दिखाऊँ मैं। भाई देखो, कुछ गाइस होते हैं जो आपको रोस्ट करते हैं आपके पीठ पीछे, ठीक है, आपके व्लॉग्स देख देख के, लाइक आपके दुश्मन। लेकिन हमारा गाइस ऐसा है जो मुंह पे रोस्ट करता है। हाँ, और एक मैं हूँ जो गाइस को उनके सामने रोस्ट कर देती हूँ। अब आओ इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। दूसरे हाथ से करना चाहिए था, वापसी निकाली, दूसरे हाथ से करो। देखिए गाइस कितने अच्छे से बन रहे हैं। अब इसी में मैं मखाने डालूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी ज्यादा है, ठीक है? ये मखाने ऐसे क्यों है? मखाने मैंने पीस लिए, मोटे मोटे आएंगे तो बेटा अच्छे नहीं लगेंगे। भाई अब गाइस को सॉप करना कैसे सिखाओगी आप अगर तुमको आता ही नहीं हो तो? सॉप करना सबको आता है। और ये है नारियल, ठीक है? जी मैं गाइस बन जाती हूँ, मुझे सिखाओ। गाइस देखो, बादाम, अच्छा, मखाने, अच्छा, और नारियल मैंने एक साथ तीनों भून लिया है, ठीक है? अच्छे से घी का हो गया, ओ शिट घी हो गया, ओ शिट, क्योंकि जो नारियल है और जो मखाने वो घी एब्जॉर्ब कर जाते। मम्मी गाइस को बिना दिखा जादू मत किया करो, नहीं तो वो भी नहीं सीख पाएंगे वो लोग। तो गाइस ये हमारा हो गया, भून गया है, भून गया है। और ये हमारे हैं वो गोंद, गोंद को ऐसी कटोरी से हमेशा ऐसे दबा, अगर कटोरी ना हो फिर सबके पास होते हैं। तो मिक्सी में पीस सकते हो आप, पर मैं इससे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये गोंद मुंह में आता है ना, चिपचिपाता है तो अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, खुशबू देखो क्या जोरदार आ रही है, वाह। गाइस नहीं सूंघ सकते, गाइस की नाक नहीं है, मोए मोए। आप जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट में बताना कौन सी रेसिपी दूं नेक्स्ट, ठीक है? वाह, मम्मी एक बात, जब गाइस हमारी बात नहीं मानते, सब्सक्राइब नहीं कराते, तो हम गाइस की बात क्यों माने? नहीं, जो अच्छे लोग होते हैं वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अप्रिशिएट करने वाले मुझे बहुत लोग हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे अपना प्यार बनाए रखना, मुझे मोटिवेट करते रहना, नहीं तो डीमोटिवेट करने की तो पूरी दुनिया है। हाँ जी बिल्कुल, डीमोटिवेट करने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए, अनमोटिवेट। आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखें अपना, मुझे अप्रिशिएट करते रहे, बस मेरे लिए यही काफी है। बस बस हो गया प्यार। अब ज्यादा होगा तो मैं रो जाऊंगी, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाऊंगी। गाइस, तो गाइस ये हमारे काजू, गोंद
और ये बादाम मखाने और गोला, ठीक है, गोला। इसमें गोभी डलती है जिसे बोलते हैं दखनी मिर्च, सफेद मिर्च आती है वो। मुझे लग रहा था मेरे यहाँ पे रखी हुई है बट मेरे यहाँ पे रखी नहीं है, खत्म हो चुकी। चलो बाहर चलिए लेके आते हैं। तो वो इसलिए मैंने डाला। ईगा बवाल हुआ। इसको झटका लग गया मिर्च के नाम से। शिट भाई शिट। मिर्च के नाम से भाई हमारे थाल को भी झटका लग गया। तो वो वाली मिर्च आज मैं नहीं डाल पाऊंगी, नहीं तो मैं हमेशा जरूर डालती हूँ वो ना। अब वो वाली मिर्च ना आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, बहुत फायदा करती है। आंखों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइस। आइस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पता आइस ही तो कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा पगलाए गई हूँ मैं। तो हम इसमें भुनेंगे आटा, जो आटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो मेन इंग्रेडिएंट्स है लड्डू के। इंग्रेडिएंट की सारी बताओ। बंद कर काजू उठा लो नीचे से। उठाओ। मेरे चरण स्पर्श करो। जुग जुग जियो। जुग जुग जीवे सो ललन वाके। मिलावटी बहुत हो मम्मी आप। ये दुनिया पित्तल दी। मतलब दी बोलो। मम्मी के अंदर मोंजली आ गई। ओ माय गॉड, वो गिर ना जाए नहीं बोलूंगी के चक्कर में। ये हम भून रहे हैं आटा। हाँ, चूंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो ऑलरेडी देखो हमारे कितने हो गए हैं, ठीक है। अब मेन जो है इसमें आटा है। अच्छा, आटा डल के ही लड्डू अच्छे से बन पाएंगे, ठीक है, समझ गया। आटे की क्वांटिटी मैं बहुत कम रखती हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये एमपी का आटा लिया है मैंने, थोड़ा सा मोटा आटा है, थोड़े से मोटे आटे के लड्डू अच्छे बनते हैं, दाग अच्छे हैं। आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करना, सर्दियों में ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। और बोल दो अपने गाइस को अपने सेल्फ डिपेंडेंट के साथ एक लड्डू खा ले बच्चा या बड़ा, पेट को तसल्ली मिल जाती है और फायदा मिलता है। सर्दियों में ठंड से बचाव होता है, तो आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, माँ बापों के लिए जरूर बनाएं। और एमपी का आटा लें, थोड़ा सा मोटा आटा लेंगे तो उसके लड्डू और भी अच्छे। अब साइंटिस्ट पे स्टडी करेंगे। और आप देखिए ये सब करना चाहिए, पति को खिलाना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए, सुबह सुबह हेल्दी होता है, ठंड से बचाता है। ये सारी स्टडी होगी मम्मी आपके ऊपर एक दिन। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। दिखाओ कैसे आटा भुन रहे। आटा भुनना भी नहीं आता क्या तुम्हारे गाइस को? गाइस प्लीज कोई जज मत करना, ये मेरा तरीका था लड्डू बनाने का, मतलब तरीका है, अभी तो चल ही रहा है प्रोसेस, अभी तो आगे दिखाऊंगी और कितना मैंने बूरा मिलाया है, कितना क्या करा है, कैसे बनाए लड्डू, तो सब कुछ अभी आपको दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहना एंड तक। और प्लीज यार देखने के बाद लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आपका क्या जाता है, कितना सा टच ही तो करना होता है बस बटन को, टच तो कुछ जाता है आपको बताओ। मुझे मोटिवेशन मिलेगी यार आगे के लिए फिर। पर भाई अब मेरे देखो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज अच्छे आएंगे, तो मेरा और मन करेगा नई नई डिश बनाने का, नया नया कुछ दिखाने का, आपके साथ हर चीज शेयर करने का। तो प्लीज यार कर दिया करो, हल्का सा बस टन करना होता है, वो जो वो सब्सक्राइब का लिखा हुआ आता है ना, काला काला होता है, लाल लाल सा होता है, वो रेड रेड सा जो आता है, तो उसको हल्का सा देखो देखो ऐसे, जैसे देखो चिमनी का मैं तो ऐसे ऐसे हल्का सा टर्न करना होता है। भाई गाइस को शर्म आनी चाहिए, सब्सक्राइब करना भी सिखाना पड़ रहा है। बहुत हो रहा था इनका, नहीं बहुत हो रहा था इनका, सब्सक्राइब नहीं करके जाते, देख देख के चले जाते वीडियो में। देखो निर्लज्ज, मैं आपको बताती हूँ एक बहुत पर्सनल चीज शेयर कर रही हूँ आपसे आज मैं, बहुत पर्सनल। तो गाइस मेरे ना दो बच्चे हैं। ओ भाई तो इतना पर्सनल हो गया। ओ भाई भाई गाइस इतना पर्सनल हो भाई 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 का। तो गाइस मेरे दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों में से ना, मतलब एक बच्चा तो मेरा बहुत ओवर बोलता है और एक बच्चा मेरा बोलता है। ये रहा यो बच्चा तो ये बच्चा तो मेरा बहुत ही बोलता है। और यार बोलो ऐश करो। और जो दूसरा बच्चा है वो थोड़ा शाय नेचर का है, वो बोलता ही नहीं है, वो बोलता तो है, वो बहुत कम बोलता है, जितनी जरूरत होती वो कहता है कि थोड़ा बोलने से काम हो रहा है, चल रहा है हमारा, थोड़ा ज्यादा बोले ज्यादा क्यों बोले। फिर उसकी थिंकिंग थोड़ी सी ऐसी है,
बट कोई नहीं, बच्चे हैं, दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, कोई पर नहीं हम यार। तो दो हैं, पांचों। फॉर एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल बोल देते हो। भाई पर आटा तो वाइट होता है ना, ये आपका ब्राउन ही हो गया। मोए मोए मतलब भुन गया बेटा। मोए मोए हो गया। मोए 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 मोए। ये आटा अच्छे से भुन चुका है, आप देखिए देखिए। हो फिर से मिलावट। अब मैं ये डाल रही हूँ भगोने में, सब एक ही साथ, ठीक है। उनकी खर्चा की सिखाओगी, घर आ जाएंगे कोई बात। फीस लेना कितनी लोगी? 25,000 बस वन विजिट, बेस्ट। वो कहेंगे तुम घर बैठो, हम बाजार से खरीद के। तो गाइस देखिए, मम्मी ने फिर से मिलावट शुरू कर दी गाइस। ये देखिए, ये अच्छे से अब डाल दिया हमने आटा ड्राई फ्रूट्स के अंदर, ठीक है जी। हाँ जी, इसमें आटा कम और ड्राई फ्रूट्स ज्यादा होंगे। ये है गाइस बूरा। बूरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुगर पाउडर। शुगर पाउडर। ए पान धूप के बात कर। नू एक कुड़ी मिली जिद गल्ला करिए टोए मोए 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 मोए। इसमें शुगर जो डाल वो आपको अपने, मतलब कि जितनी आपकी ये लड्डू की क्वांटिटी है, आटा है, ड्राई फ्रूट्स है, उसके अकॉर्डिंग डालनी है, ठीक है। अभी कितनी वो बताऊ ना, फिर गाइस बोलेंगे कि आपने नहीं बताया, फिर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तुम्हारे गाइस भाई तुम पे डिपेंड है, मम्मी आपको समझ नहीं आ रही। तो ऐसा है कि भोसो के यहाँ पे तो शुगर खाते हैं ज्यादा। शुगर खाते हैं, शुगर ज्यादा खाते हैं। भोसो के यहाँ शुगर कम खाते हैं। अच्छा। तो मेरे यहाँ शुगर थोड़ी ज्यादा खाते हैं। नई नई चीज सिखाती रहती हूँ मैं। तो गाइस ये लड़की मुझे ना पागल कर रही, ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल ही बोलने को। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल ही बोलने को। तो दिखाओ जल्दी से, चलो। यार मेरी सूरत तो ढंग की लग रही है, चमारन तो नहीं लग रही मैं। लाल तो बूंदों में भी चमकते हैं। अबे मतलब हिंदी ट्रांसलेशन, मतलब तू जैसी भी है तो समझ लेगी। ओह माय गॉड, ये बेइज्जती थी क्या था? कितनी शुगर, हाँ कितनी गाइस मेरा अंदाजा, मैंने जितनी इसमें शुगर डाली वो थोड़ी कम है, तो इसलिए और शुगर ऐड कर रही हूँ मैं। शुगर शुगर शुगर। गाइस मैं क्या करूँ, ये मैडम मेरे सामने ऐसी खड़ी हुई है, अगर मैं शुगर को शुगर नहीं बोलूंगी तो मेरे को डंडा मारेगी। तो आप भी अपने घर में चाय बनाते हुए उसमें दो चम्मच क्या डालोगे? आप ट्राई करना सच में शुगर की। शुगर नहीं, अगर आप भी शुगर को शुगर शुगर बोलोगे ना तो मिठास और बढ़ जाएगी। ओह माय गॉड, तो इसलिए अब इसमें मैंने शुगर। भाई किसी को शुगर बोलना नहीं आया ना, उसके 100 रुपए लेकर ट्यूटोरियल दे देना। तेज करो, मेरा तो हाथ ही चल जाएगा। ओह मतलब डार्गी। बस अभी से अच्छे से मैश करेंगे, फिर उसको हाथ से बनाऊंगी लड्डुओं को, ठीक है। अभी बहुत तेज गर्म है, मैं हाथ नहीं डाल सकती इसमें। शिट। तो आपने देखा मैंने आज लड्डू कितने अच्छे से बनाए और कितनी जल्दी बन गए मेरे लड्डू। फटाफट रेसिपी दे दो वन शॉट में। वन शॉट में रेसिपी दूं तो गाइस जल्दी से। सबसे पहले मैंने कढ़ाई जैसे की चढ़ाया और उसके बाद मैंने गोंद को फ्राई करा, फिर गरम गरम गोंद को ही मैंने कटोरी से अच्छे से मैश कर लिया। कटोरी ऐसे तले की होनी चाहिए, उससे अच्छे से मैश हो जाता है, ऐसे 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 करके। फिर तो उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स, मेरे यहाँ पे थोड़े से मोटे पसंद करते हैं तो काजू मोटे मोटे, बादाम मोटे मोटे, मखाने पीस लिए थे, गोला पीस लिया था, सबको अच्छे से मैंने देसी घी में फ्राई कर लिया। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने फिर आटा फ्राई किया। मैं आटा लड्डू में कम डालती हूँ, मैं ड्राई फ्रूट ज्यादा डालती हूँ, तो इसलिए मेरे लड्डू फटाफट से खत्म भी हो जाते हैं। श्योर डाली नहीं। हाँ सॉरी 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 गाइस, पर मेन चीज ही भूल गई। हाँ ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, आटा डाल देती हूँ और फिर सबसे लास्ट में मिलाई जाती है शुगर, क्योंकि बिना शुगर के तो स्वाद ही नहीं आएगा लड्डू में। किसके बिना? शुगर के बिना। किसके बिना? शुगर के। ओह माय गॉड।
तो गाइस आप पूछते हो ना आप इतनी मोटी क्यों होती जा रही हो, तो मेरी मेरे मोटापे का यही राज है कि मेरे बच्चे मुझे हंसाते बहुत हैं। मेरा पति तो मुझे बहुत ही हंसाता है। मेरा पति तो मुझे इतना हंसाता है ना कि मैं ना जब हंसती हूँ तो मुझे भी रेड़ जाती गर्म में बहुत। तो बना क्यों रही हो, हाथ क्यों जला रही हो, हमारा काम कौन करेगा? एक तू ही सहारा, एक तू ही भरोसा, तेरे जहां में नहीं कोई हम। पागल सी। ओके बाय। अब तुम्हारा व्लॉग नहीं बनाऊंगी। इस तो आज एक बहुत सैड चीज हो चुकी है। मैं मम्मी की व्लॉगिंग कर रही थी, मम्मी ने मेरे को डांट के भाग दिया, और आज के बाद मैं व्लॉगिंग से अपना रेजिग्नेशन दे रही हूँ। गुड बाय गाइस, टाटा बाय बाय, खत्म। मेरे गाइस को बिना दिखाया बता भी दिया, बना भी दिया, शर्म तो नहीं आई आपको? ये मैंने एक छोटा सा लड्डू बनाया है पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, तो पहले मैं भोग लगाता। अभी मेरे को कैमरे के पीछे से बोला जा रहा है कि तू लगा दे अब खुद। हाउ क्यूट, जय हो ठाकुर, हाउ क्यूट। तो ये हम ठाकुर जी के पास ही रखते। ओह माय गॉड, आइए आपका किचन को इंतजार था। ओए ओए, मम्मी बैठ गई, बैठना भी है गाइस, ठीक है। पंखा चलाऊं? मेहनत, और उसके बाद तुम खाने में नाक मारते हो। तो बनाया ही मत करो। इजी गाइस, बहुत ही बदतमीज है लड़की मेरी। भाई मैं बदतमीज दिख रही हूँ तुम्हें किसी एंगल से? मैं ये इतना प्यारा बच्चा हूँ, मैं इतना प्यारा बच्चा, मैं किसी को परेशान नहीं करता, और फिर मैं मम्मी देखो हंस रही है पीछे से, मम्मी को शर्म नहीं आ रही है, मम्मी मेरे रोने का मजाक बना रही है, गाइस मैं बहुत परेशान हूँ गाइस। इसका कुछ नहीं होता, इसको मैं ना कपिल शर्मा वाले शो में भेजने वाली हूँ बहुत जल्दी। मैं कपिल शर्मा को भी फ्लॉप करा दूंगी, अपना चैनल खोलूंगी, कपिल शर्मा भी फ्लॉप हो जाएगा मेरे आगे। क्यों भाई? डप्पा, अब मैं उधर से आऊंगी, उधर से डप्पा करूंगी, डप्पा, अब इधर से आऊंगी, डप्पा। तो गाइस देखिए फाइनली बातें बना बना के हमारे लड्डू भी बन गए हैं। वो बन गए? अरे वाह, और पता भी नहीं चला, मैं बोर भी नहीं हुई बिल्कुल। मैं थी तो बोर। तो गाइस आप ये वीडियो देखोगे ठीक है, उसके बाद लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना आपको मेरे लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। तुम्हें तुम्हारी अम्मा कसम। और अगली रेसिपी कौन सी चाहते हो, क्या बनाना सिखाऊं आपको? ठीक है, मुझे जैसे भी आता होगा मैं बनाऊंगी जरूर, जैसा भी आता होगा। इतना खाला बनाती हो आप, फिर कह रही जैसा भी आता होगा। तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा, तुम्हारी तो मांगू ना मैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं तो कहती हूँ आप रेस्टोरेंट खोल लो, एक लाख की एक डिश, बेस्ट। सोच तो मैं भी रही ना, चले तो मेरा नाम बदल देना। आ गया, याद आ गया। यस, तो गाइस प्लीज जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तुम्हें तुम्हारी अम्मा कसम है, देख लो अब कसम दे दी है। तो ये वीडियो देख ली, बताना कमेंट में रोस्टिंग वीडियो कौन सी बनानी चाहिए सलोनी को, किसके ऊपर बनानी चाहिए? मम्मी के ऊपर। मेरी रोस्टिंग करेगी तुम? मैं मम्मी के लिए रोस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं यार, वैसे डंडा होगा और तेरी कमर होगी फिर। यार वो बात नहीं है मम्मी, वही बात हो गई ना, मेरी माँ। मम्मा। तो गाइस देखिए आप कितनी स्पीड से मैंने फटाफट से लड्डू की रेसिपी बना दी है, तो कोई भी काम, ये मेरा याल है, मेरा याल, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर आप कोशिश करोगे तो, हमेशा हर चीज में जीत होगी, जीत हासिल होगी आपको। तो सीरियस मोमेंट क्रिएट मत करो, पूरी वीडियो फनी में निकल गई। आगे जीत है। एंड मैं ना आपको बहुत सारी मोटिवेशन बातें बताना चाहती हूँ, सीरियस वाली, लेकिन मेरे बच्चे मुझे सीरियस होने नहीं देते। सीरियस लोग मिलते हैं अस्पताल में, ठीक है? लो, मेरे को कसम देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लोग प्यार बहुत करते हैं। तुम्हें थोड़ी दी है, तुम्हारी गाइस को दी है। नहीं देने, गाइस को भी नहीं, वो मेरी फैमिली है, वो मेरे सब कुछ है, मेरे सपोर्टर है, सब कुछ है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर बैठे हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे सच में पता है।
तो गाइज मेरे लड्डू रेडी हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार ऐसे हमेशा बना के रखना। तो थैंक यू सभी को, मुझे टाटा कर जाओ। जय श्री राम, राधे राधे। बस बस बस, मुझे टाटा कर जाओ, टाटा।